मेवात मुस्लिमों का इतिहास जानते हैं आप। महीना मार्च का था, सन था 1527। उस वक्त बाबर हिंदुस्तान में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था और सामने थे राणा सांगा की 1,00,000 की राजपूतों की फौज। बाबर के पास सैनिक तो आधे से लेकिन तोपें खूब थी, बढ़िया घुड़सवार थे, अनुशासित लड़ाके थे। बाबर ने राणा सांगा के कई राजपूतों को अपने पक्ष में भी मिला लिया था, लेकिन राणा सांगा की सेना में एक बहादुर मिलिट्री कमांडर था, हसन खां मेवाती। बाबर को भी मालूम था कि हसन खां के रहते उसका ख्वाब शायद पूरा नहीं हो सकता। उसने हसन खां को लालच दिया, मजहब का वास्ता दिया, लेकिन हसन खां ने गद्दारी नहीं की और राणा सांगा की तरफ से ही लड़े। मुसलमान होकर हिंदू की तरफ से लड़े, जबकि मालवा के राजा समेत कई हिंदुओं ने बाबर का साथ दिया था। खानवा के जन भले ही राजपूत हार गए, लेकिन हसन खां मेवाती अमर हो गए। हम उन्हें वीर हसन खां के नाम से जानते हैं, मगर आज बहुत दुख की बात है कि उसी मेवात से जब तब हिंसा की खबरें आती रहती हैं।